नाम है सानोमिया सेंटर प्लाज़ा, जो काफ़ी फेमस है यहाँ पे। ये भी वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्ट्रीट्स में है, देख सकते हो लोगों का भीड़। ये वीडियो सभी फुटबॉल फैंस के लिए, स्पेशली अर्जेंटीना फैंस के लिए, क्योंकि लेजेंड का मुंह पीछे ही है। फीफा वर्ल्ड कप के चैंपियंस। हमने काफ़ी जगह घूम लिया और आखिरकार हम पहुंच चुके हैं ऐसे एक शॉप के सामने। देखो फैमिली चैनल, लेकिन बोलने लगे कमी ने ही क्या होता है यार। ज्वेलरी एंड वॉचेस का अब क्या ही बताए मनीषन। वहाँ पे क्या था, थोड़ी देर पहले हमने देखा था, क्या शॉप था वो? कमी गाली दे रहे हो? अरे नहीं यार, वहाँ पे लिखा ही वैसा था। देखो KAMINE क्या होता है? कमी नहीं होता है। आपके लिए था वो शॉप, एक्चुअली आपके लिए था। आशीर्वाद दे रहे हो क्या? जिसने देखा उसके लिए था। तो मैंने देखा क्या पहले? देखा ना, मैं आपको बताया। बस 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 दोस्तों, अभी हम जो एरिया में हैं, ये कोबे का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया और सबसे लग्जरी एरिया में से एक है। यहाँ पे जापानीज लोग वॉक करना काफ़ी पसंद करते हैं। क्यों? इसका रीज़न है ये सब आप जो देख रहे हो। एक इस जगह पे आने के बाद में आपको ऐसा फील हो कि आप जापान में हो ही नहीं, ऐसा लगेगा कि आप दूसरे कोई कंट्री में हो। करते जगह को देख लेते भाई। तो ये स्ट्रीट जो है, ये वही स्ट्रीट है जिसमें वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव ब्रांड्स है। गुची, लुई विटॉन, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। चलिए भी काफ़ी मस्त है। तो चलिए आपको भी बताते हैं क्यू क्यू रियूची का हिस्ट्री। क्यू क्यू रियूची, जिसका मतलब है फॉर्मर फॉरेन सेटलमेंट। इन सेटलमेंट को ब्रिटिश सिविल इंजीनियर्स के द्वारा डिजाइन किया गया था। इसमें 126 ब्लॉक्स को बनाया गया था। 1873 तक इन सभी ब्लॉक्स को फॉरेन सेटलमेंट के लिए बेचा गया था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 1945 के अमेरिकन एयर स्ट्राइक से लगभग 70% बिल्डिंग्स पूरी तरीके से तबाह हो गई। आज के समय में काफ़ी कम बिल्डिंग्स यहाँ पर बचा हुआ है, जिसमें से ये दायमारू ब्लॉक सबसे ज़्यादा फेमस है। तो दोस्तों, हमने काफ़ी सारे वीडियोस देख लिए हैं, जिसमें घर जाने का वीडियोस है, घर जाएगा तेरे, कुछ भी कॉस्टली लेते हैं तो घर जाएगा तेरा, घर जाएगा तेरा, घर जाएगा तेरा। सच में अगर घर जाना है ना, उसके सामने मैं खड़ा हूँ। ये इसमें घर, इसमें चले जाएगा पूरा। तो जापान में इंडिया का जो क्रेज़ है आपको पता है, लेकिन साउथ इंडिया का भी आजकल बहुत ज़्यादा दम चल रहा है। इसका नतीजा कोबे का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस, वहाँ पर हमें ये दिख रहा है RRR। क्रेजी है इसका लगता भाई। अभी रिसेंटली देखा है तो वो एक्टर्स सब आए थे ना जापान में। ये लोकेशन भी काफ़ी ज़्यादा एकदम यूरोपियन स्टाइल है, देख सकते हो। यहाँ पर बाहर बैठ के जापानीज खा रहे हैं। ऐसा जापान में रूल है ही नहीं, जापान में ऐसा कोई कल्चर है ही नहीं। ये यूरोपियन स्टाइल है, दिखाते हैं। आइए। I'm never second guessing, I just do what I was destined, cause I feel I got the blessing, persistence and obsession, that's how you keep progressing, I already learned that lesson, yeah. I'm changing who I am. तो अभी आपने जो देखा, ये मुझे बताइए कोई भी यूरोपियन कल्चर हो या फॉरेन कल्चर हो, यही वही है, बाकी जापान में कल्चर है नहीं, इसलिए ये एरिया पूरा डेडिकेटेड टू ऑल द फॉरेनर्स। और आपको कोबे में जितने भी आपको फॉरेनर्स दिखेंगे, चाहे वो फ्रांस से हो, चाहे वो अमेरिका से हो, कहीं पे भी वो यहाँ पर ज़रूर आते हैं। इवन जापान में जहाँ पे भी हो यहाँ पे आते हो, इवन टोक्यो से भी, ओसाका से भी लोग यहाँ पे, मैंने देखा है बहुत लोगों को यहाँ पे। आपको कैसा लगा मनीष सर? पर्सनली बहुत बढ़िया लगा, देखा है तो। आज तो मुझे फील हो रहा है कि हाँ भाई काफ़ी कम है पैसा मेरे पास।